शिक्षा विभाग से संबंधित आज की बड़ी खबर। वर्ग तीन में पद वृद्धि से संबंधित बड़ा आदेश हुआ जारी 8/7/2023। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपको पता है माननीय शिक्षा मंत्री जी के वाक्यांश के द्वारा कि वर्ग तीन उन्होंने कहा था वर्तमान में पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है तो भर्ती कहाँ से कर की जाए। किंतु वर्ग तीन में हमारे साथीगण भोपाल में शांतिपूर्वक तरीके से लगातार अपनी बात रखते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग तीन में पद जो शिक्षा मंत्री ने कहे थे कि नहीं है, लेकिन पद वृद्धि के लिए पदों की व्यवस्था की जा रही है। अब वह व्यवस्था कहाँ से की जा रही, तो वर्ग तीन की प्रमोशन लिस्ट जल्द ही जारी होने वाली है और जुलाई माह की लास्ट तक प्रमोशन लिस्ट जारी हो जाएगी वर्ग तीन की। जैसी प्रमोशन लिस्ट जारी होगी वर्ग तीन की, वैसे ही पद खाली हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रमोशन से संबंधित जो आदेश 7 जुलाई को आया है तो उस आदेश की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यह आदेश 7 जुलाई 2023 का है, सागर संभाग का है, क्योंकि प्रमोशन जो हो रहे हैं वह संभाग स्तर पर हो रहे हैं। हमारे सागर संभाग में निम्न जिले आते हैं, तो यहाँ पर जिलों का विवरण दिया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के माध्यम से सागर संभाग अंतर्गत दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन कर दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए थे। युक्त अंतिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के उपरांत दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत निराकरण की कार्रवाई की जाकर दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में सागर संभाग के प्राथमिक शिक्षक संवर्ग की सूची संलग्न अनुसार अंतिम रूप से प्रकाशित की जा रही है, जिसके संबंध में संबंधित लोक सेवकों को अवगत कराना सुनिश्चित है। तो इसमें जानकारी दी गई है, प्रतिलिपि करके भेजा गया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो आपका सागर संभाग की प्रमोशन लिस्ट आने वाली है शीघ्र ही सभी संभागों की। हमारे सागर संभाग में लगभग 18,000 की वरिष्ठता सूची शिक्षकों की जारी की गई है और प्रत्येक संभाग में यदि 3,000 भी पद की भर्ती होती है, प्रमोशन होता है, तो लगभग 30,000 शिक्षक के पद खाली हो जाएंगे। और यदि 30,000 शिक्षक के पद खाली होते तो मिनिमम आपकी जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह 50% पद होती है, अर्थात 15,000 पद प्रमोशन के लिए बचा लिए जाएंगे। किंतु वर्ग तीन में प्रमोशन नहीं होता है, तो इसलिए 30,000 जो पद हैं वह भर्ती प्रक्रिया के लिए शेष रहेंगे। अब यदि विभाग चाहे गवर्नमेंट चाहे तो 30,000 में से मिनिमम यदि 10 से 15,000 भर्ती भी करता है तो मैक्सिमम अभ्यर्थी को जॉइनिंग प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।